Tam düşmanların üzerine yürüyecekken tat savaşı çıkardı hain. Sen önceden haber vermesen Selahattin'in oyununu anlayamazdık. Selahattin'in savaşı durdurup kendini aklaması için tek çaresi beni ele geçirmek. Bir plan yapacağını anlamayacağını sanıyor. Yazık. Doğru günlerdeyiz. Yollar puslu. Kim kimdir belli değil. Ben elbette ki istediklerimi alırım. Ama o vakit hiçbirini sağ kurtulamayacaksınız. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संजोग जंग की जंग के बारे में या फिर वो कौन होगा जो जंग को रोकेगा और साथ ही साथ उस किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने सारे फेस बदल डाले और इसका फायदा कौन उठाएगा। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन की जो दमिश्क को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे कि इसके आमद हुई। दोस्तों यहाँ पर अगर उस किरदार की बात करें जिसने भेस बदल डाले, दोस्तों सेल्जोक मलिक की दौलत ने अचानक सारे बेस बदल डाले और इसे एक मौके के तौर पर लेकर होनी बर्नार्ड ने दोनों रियासतों को गड़े में डालने के लिए अपना इकदाम किया, एक दूसरे के खिलाफ किया। लेकिन सलाहुद्दीन ने रियासत के दारुल हुकूमत दमिश्क को वापस ले लिया। दोस्तों बर्नार्ड के हाथों में बलबे में काम हो गया था। अजीम दुश्मन को यादी इब्राहिम के तमाम अमाल की सजा दी गई। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें होनी बर्नार्ड और मलका विक्टोरिया की, तो होनी बर्नार्ड और मलका विक्टोरिया बड़े नुकसान के बाद यरूशलम फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जंगी रियासत के लिए खत्ते में अमन मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सका, क्योंकि जल्द आने वाली सेल्जोक मलिक दुनात की फौज जो बड़े गुस्से के साथ आई थी, जंगियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।